हो? बिल्कुल ठीक है, खुश रहिए, प्यार बांटिए। रेस्टोरेंट स्टाइल सांबर, जो साउथ इंडियन का ओरिजिनल फ्लेवर वाला सांबर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आज आप सबके साथ में। सांबर तो बहुत अलग अलग टाइप्स के बनते हैं, सब रीजन्स में अलग अलग सांबर्स की रेसिपीज बनती हैं। तो जो साउथ इंडियन का ओरिजिनल सांबर होता है ना, वो घर में जब भी बनाओ इस तरीके का बनता नहीं है। घर वाला सांबर तो अच्छा होता ही है, बट वो ओरिजिनल वाला फ्लेवर नहीं आता है उसमें। तो इस रेसिपी से हम ओरिजिनल फ्लेवर का साउथ इंडियन जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं वही वाला सांबर या उससे भी अच्छा सांबर ये बनेगा, ये गारंटी है। और 100% ओरिजिनल टेस्ट हमें साउथ इंडियन का ही इस रेसिपी से मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं साउथ इंडियन की फेमस डिश इडली सांबर। तो चलिए, सांभर बनाने के लिए काटनी है हमें कुछ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जो ऑथेंटिक सांभर में यूज होती है ना, तो वो यूजुअली रेस्टोरेंट में ड्रमस्टिक और पम्पकिन का ही इसमें यूज करते हैं। उसके अलावा भी आपको जो वेजिटेबल्स यूज करनी है तो वो आप कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो सबसे पहले हम अपनी वेजीज को काट लेते हैं। यहाँ पर हमने लेनी है पम्पकिन, इसे आप कोई भी शेप में कट कर लीजिए। मैंने इसे स्किन के साथ ही में लिया है और इस तरह से रेक्टेंगल में इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे कैरेट ले लेंगे और इसको भी वेजेस में काट लेंगे। सांबर यूजुअली थोड़ा सा स्वीट होता है ना, तो आपने गाजर का यूज करना है ताकि इसका जो फ्लेवर है तो वो इससे बहुत ही ऑथेंटिक आता है। अब यहाँ पे ड्रम स्टिक ले लेंगे और इसे एक साइज का कट करके इसका ऊपर का छिलका हमने रिमूव कर लेना है। इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। प्याज के ऊपर का छिलका निकाल कर हमने प्याज को भी ऐसे स्क्वायर में कट कर लेना है। दो मीडियम साइज के टमाटर हमने यहाँ पे लेना है और इसे भी हमने मोटा मोटा सा रफली चॉप कर लेना है। स्क्वायर की शेप में आप इसे कट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ऑप्शनल वेजीज में लिए हैं बैगन, तो इसे कट कर लीजिए। बैगन को कट करने के बाद से ना फौरन से आपने इसमें पानी में डुबो देना है और थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड कर दीजिए, जिससे ये होगा ना कि ये काले नहीं होंगे और इसका कलर एज इट इज रहेगा। अब लहसुन को आपने चाकू की हेल्प से सिर्फ दबा कर मैश करना है, इसे चॉप्ड हमने नहीं करना। अब हमने सांभर को पकाने के लिए कढ़ाई के अंदर तेल को हीट कर लेना है और इसमें कोकोनट ऑयल का भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें सूखी लाल मिर्च ऐड कर दीजिए, एक टीस्पून रायता ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा चम्मच चला दीजिए। अब इसमें अच्छे से कढ़ाई में डाल दीजिए और थोड़ा सा हमें सॉटे कर लेना है। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, एक टीस्पून, और थोड़ा सा हमने चम्मच चला देना है। अब जो वेजीज हमने काटी थी, प्याज, ड्रमस्टिक, गाजर, पम्पकिन और करी पत्ता, तो वो इसमें एक एक करके ऐड करते जाइए। और ये बैगन हमने इसमें ऐड कर लेना है। अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से आपने सारे मसालों में एक मिनट तक के लिए भून लेना है। गैस की फ्लेम जो है तो वो इस टाइम पे हमने मीडियम रखना है। अब इसमें टमाटर चॉप किए हुए डाल दीजिए और इमली का पल्प ऐड कर दीजिए। बस एक घंटा पहले इमली को भिगा कर इसका पल्प निकाल लीजिए और ये पल्प इसमें ऐड कर दीजिए। ये है कोकोनट मिल्क, नारियल का ब्राउन वाला हिस्सा निकाल कर हमने इसे थोड़े से पानी में ग्राइंड करके छान लेना है और इस तरह से आपका कोकोनट मिल्क जो है तो वो रेडी हो जाएगा। अब इसमें जाएगा स्पेशल इंग्रेडिएंट सांबर मसाला, तो वो इसमें हमने डालना है और साथ ही में गुड़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिठास के लिए। अब टेस्ट के हिसाब से हमने इसमें नमक डाल देना है और यहाँ पर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी अभी बस हमने इतना ही डालना है कि सारी सब्जियाँ जो है तो हमारी वो मसालों में कवर हो जाए। और अब पैन की लीड लगा दीजिए और 20 मिनट तक के लिए हमने लो फ्लेम पर इसे पकने देना है। अब जब 20 मिनट हो जाए तो आप देख सकते हैं कि सारी सब्जियाँ जो है हमारी वो अच्छे से कुक्ड हो चुकी हैं। आप वीडियो में देख सकते हो कि हर एक सब्जी जो है तो वो कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हमने तुअर की दाल, जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं, तो सोख की हुई लेकर प्रेशर कुकर में थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने तक कुक कर लेना है। फिर कुकर को हमने नेचुरली तौर पर डीप प्रेशराइज होने के बाद में इसे थोड़ा सा बस इससे हल्का सा मैश कर लीजिए और बिल्कुल भी इसमें हमने पेस्ट या इसकी प्यूरे नहीं बनाना ग्राइंडर मिक्सर जार में। सांभर का आधा मजा जो है ना, तो बस वो इस तरह की मैश की हुई दाल से ही आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने सांभर में फ्रेश हरा धनिया चॉप किया हुआ ऐड किया है और इसमें एज रिक्वायर्ड वाटर ऐड कर दीजिए। इस तरह से हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। और मेन टिप ये है कि सांभर जितनी देर बॉईल होगा ना, तो उतना ही टेस्ट उसका जो है तो इन्हेंस हो जाएगा। अब हमने इसे सर्विंग बोल में निकाल लेना है और ये देखिए, बिल्कुल ये सांभर का कलर देख के ही समझ में आ रहा
बताया है ना कि ये कितना मजेदार बना है, बिल्कुल ऑथेंटिक और साउथ इंडियन का फ्लेवर का ये सांभर बना है। तो यहाँ पर मैं अब बनाने लगी हूँ इडली। इडली के बैटर की रेसिपी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं डिटेल में इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट ये इडली बनती है और अगर आप मेरी रेसिपी से इडली बनाएंगे तो कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसे मैक्सिमम लोगों की इडली ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है या रबर टाइप की कह सकते हैं, ये इसमें क्रैक्स होने लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ मेरी इडली जो है तो वो रेडी हो गई है, तो मैं इसे स्कीवर्स डालकर चेक कर रही थी। अब यहाँ पर इडली को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में मैंने इसे चाकू की हेल्प से निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर सुपर सॉफ्ट इडली भी हमारी हो गई है रेडी, तो हम इसे कर लेते हैं सर्व नारियल की चटनी के साथ में। रेसिपी पसंद आई होंगी, पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में जरूर शेयर करते जाइए और टेस्ट माय फूड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।